आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। कुवारी हसनगंज उन्नाव से जहां पात्र होते हुए भी गरीब को नहीं मिला आवास, पहले ही बारिश में गिर गया उसका मकान। देश भर के गरीब जरूरतमंदों को अपनी छत देने के लिए प्रधानमंत्री के दावे जिम्मेदारी की कारगुजारियों के चलते बौने साबित हो रहे हैं। ताज़ा मामला हसनगंज ब्लॉक के रसूलपुर बकिया का है, जहां हुई पहली बारिश ने ही एक गरीब दिव्यांग से उसकी छत छीन ली। उसका आरोप है कि पात्रता की तमाम शर्तों को पूरा करने के बावजूद उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रखा गया। जिले के हसनगंज के रसूलपुर बकिया निवासी प्रेम शंकर पुत्र मथुरा प्रसाद का कच्चा मकान गुरुवार को हुई बारिश में भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे ने उसके सर से छत छीन ली। दिव्यांग पेंशन व अंत्योदय कार्ड का लाभार्थी भी है, फिर भी उसे आवास नहीं मिला। आवास नहीं, पात्रता की तमाम शर्तों को पूरा करने के बावजूद जिम्मेदारों अभी तक उसे आवास के लाभ से वंचित रखा है। नतीजतन पहली बारिश में ही उसके सर से छत छिन गई। प्रधानमंत्री आवास न मिलने और बारिश से घर गिरने के बाद पीड़ित ने उप जिलाधिकारी हसनगंज को पत्र देकर आवास दिलाए जाने की गुहार लगाई। इस संबंध में उप जिलाधिकारी हसनगंज प्रदीप वर्मा ने बताया कि जानकारी हुई है, लेखपाल को मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन करवाकर रिपोर्ट भेजी जाएगी। अपनी समस्या बताते हुए पीड़ित ने क्या कुछ कहा, आइए जानें। हसनगंज उन्नाव से संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। कहाँ के निवासी हैं आप? मामला क्या है आपका? कॉलोनी नहीं मिली आपको? नहीं। अच्छा, फिर अच्छा दो बार आपकी कॉलोनी आई, उन प्रधान और सचिव ने मिलकर कटवा दिया, अब घर गिर गया आपका? हाँ। कब गिरा? कल। कल बरसात में गिर गया आपका घर? तो यहाँ तहसील आप उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं? हाँ। है ना साहब ने? आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों के अपडेट आपको मिलती रहे।